पानूरू मखेजी जैसा आप खा गए ना वो सूजने वाली वहाँ पे कितनी छत्ता पूरा छत्ता जी मैंने वो नीचे डाल दिया डंडा से पर यहाँ से खा गए कोस से करी से। ओहो कल्लू तुम कहाँ थे? जी मैं फ्रेश खा रहा हूँ। तुमने भी खा लिया मुंह पर? एक जगह एक खाई एक दो खा ली एक खा लिया फिर एक। तो क्या किया फिर? लोहा लगाया? लोहा लगाया जी। मेरा सूजन आती है ना गोबर लगा लेना सबसे बेहतर है तो गोबर है। मैंने मेरे कुछ ना लगा थोड़ी देर खावे बस फिर खत्म। फिर खत्म सूजन नहीं आती मेरी तरह नहीं जो सूज गया पूरा सूजन नहीं आती। मधुमक्खी खा जाए तब भी ना। क्या अभी सत्तार मेरे खून में कुछ कमी है? नहीं जी। नहीं ये तो लोहा बाद में निकाला ना जैसे शुरुआत में ऐसे लोहा निकल। किसी किसी को हो जाए वो सुबह टाइम खा जाए तब बिना शाम को खा जाए तब बिना। भाई ये सोजन तो सबके ही है भाई सोजन सबके ही है। ये कान में डंक अगर काटते ही के साथ या तो लोहा जैसे यहाँ से काटा यहाँ से तो ऐसे लोहा निकल लो या हल्का सा गोबर अगर कहीं पर मिल जाए तो सबसे बेहतर इसकी दवाई गोबर है। इतना सा गोबर लगा कि यहाँ थाम ले बस बिना रगड़ो तसदा बुहे रखो मैं ही आकर रुको यहाँ तक पीछे और तिल का पेड़ अगर तिल का पत्ता मिल जाए तिल का। तो क्या किया इनमें यहाँ बताओ नूरू आज क्या काम किया तुमने इसमें? ये पूरे करे हैं जी अमरूद। ये बता क्या करा है अमरूद में खाद डाला है क्या? खाद डाला जी। और वो क्या कर रहे हो इसमें बताओ समझाओ जरा समझाओ क्या कर रहे हो इसमें? या मैं ये खाद डाल रहे जी किस लिए? ताकत के लिए इसके लिए ताकत जाएगी इसके जब पानी देगा इसे। हर छह महीने बाद खाद डालते हैं जी अमरूद को। हाँ हर एक पेड़ में कितना गिर रहे हो? चार तसला गिर रहे हैं। चार तसला तो 50 किलो हुआ। 50 55 50 55 और फिर उसके ऊपर उसको ऊपर मल पड़त डाल रहे हो? किसकी? वो काट दिया जी राहुल वाले ने वो लांगे सुबह। तो ये हो गई तुम्हारी खाद और ये रिंग के नीचे और इसके ऊपर अब जाएगा मल्चिंग। जाएगा मल्चिंग कहाँ? वो लगा दी जो उसने वो हेज काटी ही कुछ जी ना थी नहीं वो है तो शुरू में ना बार यहाँ ला के डालो और यहाँ कुट्टी काट दूँगा। हाँ सुबह ही डाल दो वही खा रहे हैं। क्या फायदा है नूरू इसका मल्च का? ये नमी बनी रहेगी इससे खाद बनेगा जी हमारा। और इससे नमी बनी रहेगी जी थोड़ी इसके नीचे जी मल्च के। नमी से क्या होगा? नमी से ताकत मिलेगी इस पेड़ को। पानी कम लगाना पड़ेगा जी हमें। पानी कम लगाना पड़ेगा? हाँ जी पानी की कम खपत वो होगी खपत हमारी। वो सड़ेगा तो कैसे सड़ रहा? सड़ेगा तो खाद बनेगा जी। सड़ रहा है जी पूरा। कैसे सड़ रहा कौन खा रहा है? ये केचुआ डेमक सब इसको खाद बनाएंगे। तो कब से लगे हो इस पे? अब इस पे तो सुबह से कल से ही लग रहे हैं जी दोनों पे दो पेड़ों में। कितने पेड़ हैं यहाँ पे कितने पे करोगे अब? अब तो वो दो रह रहे हैं जी हमारे एक के पास है एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ पे कितने पेड़ हैं पूरे? बस यहाँ तो ये तसला से ही हो जाता है जी। यहाँ वो मक्खी खागी मैं वहीं छोड़ आया। अच्छा अच्छा सही।